खोजी टीवी के मुअज्जिज दोस्तों, तालिबान के खौफ से मोदी ने अमेरिका के पैर पकड़ लिए हैं। मोदी ने अपने खास कारिंदों का एक वफद अमेरिका रवाना कर दिया है ताकि वो तालिबान के खिलाफ अमेरिका से मदद मांग सके। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मोदी को अमेरिका से मदद मांगनी पड़ी? क्या तालिबान वाकई भारत पर हमले की प्लानिंग कर रहे हैं? क्या मकबूजा कश्मीर को आजाद करवाने के लिए तालिबान जिहाद करने जा रहे हैं? आज हम आपको भारत की नाकामियों और नाअहलियों की दास्तान सुनाएंगे, जबकि आपको ये भी बताया जाएगा कि कश्मीर की हुर्रियत रहनुमा महबूबा मुफ्ती ने मोदी सरकार को क्या धमकी दी जिसने मोदी सरकार को खौफजदा कर रखा है। तहम आगे बढ़ने से कबल देखने और सुनने वालों से इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। दोस्तों, तालिबान की फतह पर इलाकाई ताकतें 40 साल जंग ज़दा अफगानिस्तान के हवाले से अपनी अपनी पॉलिसियों में तब्दीली ला रही हैं। लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान की फतह पर इस खित्ते में सिर्फ भारत एक ऐसा मुल्क है जो अपनी शिकस्त पर रो रहा है। वो भारतीय मीडिया जो मोदी सरकार का ऑफिशियल तर्जुमान बना फिरता है, वही भारतीय मीडिया 15 अगस्त 2021 से आज तक लगातार चीख रहा है कि तालिबान ने भारत को बर्बाद करके रख दिया है। दरअसल तालिबान की वापसी से भारत को चार तरह की शिकस्त का सामना करना पड़ा। अव्वल ये कि उसका वो नेटवर्क टूट चुका है जिसका इस्तेमाल करके वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता था। दूसरा, इसके 3 बिलियन यानी $3 अरब डूब गए। तीसरा, इसके पर कट गए और अब वो वस्त एशियाई ममालिक की तरफ परवाज नहीं भर सकता। चौथा, इसकी खित्ते में चौधराहट करने और चमचागीरी दिखाने का ख्वाब ताबीर ना पा सका। इसके साथ साथ भारत जिस खौफ में मुब्तिला हो चुका है वो ये है कि कश्मीर में जुल्मों सितम की जो भट्टी इसने गर्म कर रखी है वो तालिबान की आमद से उबल पड़ेगी और इसकी तपिश भारत को जलाकर खाकिस्तर कर देगी। यही वजह है कि मोदी और इसके हवारियों को अफगानिस्तान में बासफा, मुखलिस, बहादुर और जर्री लोगों पर मुश्तमिल इस्लामी हकूमत हरगिज बर्दाश्त नहीं हो रही। नाज़रीन-ए-ग्रामी, जमीनी हकायक को देखा जाए तो भारत को ये खौफ खाया जा रहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान की अमारात इस्लामी कश्मीरी मुसलमानों की हालत ज़ार पर खामोश नहीं रह सकती, जिसका मस्बत असर लाजमी तौर पर जम्मू कश्मीर की तहरीक आजादी पर पड़ेगा और कश्मीरी मुसलमान अपनी आजादी की कामयाबी के लिए तालिबान की 20 साल जदोजहद से हौसला पाएंगे। भारत को यह पता चल चुका है कि जब तालिबान मुजाहिदीन ने असर हाजिर की सुपर पावर कहलाने वाले अमेरिका और नेटो इत्तेहाद के तमाम शयातीन को शिकस्त से हमकिनार कर दिया है तो साइकोलॉजी ये बताती है कि इस अमल से मंजिल पाने के लिए मुजाहिदीन कश्मीर के अजमो हिम्मत में इजाफा होगा। अफगानिस्तान में भारत की रुसवाई आया होना कोई अचंभे की बात नहीं, ये तो होना ही था क्योंकि भारत अमेरिका का हामी बनकर तालिबान का हरीफ बना हुआ था। सो ये दुनिया का असूल है कि जो कड़वा दरख्त काश करता है तो उसे कड़वे और कसीले फल ही खाने पड़ते हैं और भारत के साथ अब कुछ ऐसा ही होने वाला है। तालिबान ने अपनी फतह के साथ ही ये ऐलान भी किया कि वो हुकूमत की तश्कील और अहम अमूर से फरागत के बाद कश्मीर का रुख करेंगे जिसने मोदी के अवसान खता कर रखे हैं और मोदी ने हमेशा की तरह अमेरिका से मदद मांगने की घटिया और कम तर पॉलिसी पर अमल करना शुरू कर दिया है। गुज़श्ता रोज मोदी ने अपने खास कारिंदों के एक वफद को अमेरिकी हुकाम से मदद मांगने के लिए रवाना किया और मोदी की जानिब से मिस्टर जो बाइडन को यह खास पैगाम भेजा गया कि तालिबान को कंट्रोल करने के लिए कोई हिकमत अमली तय करने के साथ साथ भारत की फिलफौर मदद की जाए। अगर तालिबान हुकूमत संभालने के बाद कश्मीर की जानिब मुतवज्जे हुए तो यकीनी तौर पर वो भारत से कश्मीर छीन लेंगे। मोदी के इस खौफ से साफ जाहिर होता है कि तालिबान की जानिब से मोदी को संगीन वार्निंग्स दी जा रही हैं, जिस पर मोदी ने अमेरिका से मदद मांगी है। दोस्तों, इसकी अहम वजह यह भी है कि माजी में भारत तालिबान को दहशतगर्द करार देता आया है और अब जबकि तालिबान इक्तदार में आ चुके हैं तो यकीनन वो भारत के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। भारत तालिबान को दहशतगर्द करार देते हुए इनके 7 बरसरे पीकार रहा, सो अब इस कड़वाहट का मजा तो उसने चखना ही है। तालिबान की फतह के बाद भारत को अफगानिस्तान में बुरी तरह रुसवाई हुई। भारत कहता है कि इसने अफगानिस्तान में डैम, शाहराहें, स्कूल, अस्पताल और काबुल में पार्लियामेंट की नई इमारत बनाई है, जो सारी तामीरात अब तालिबान के कंट्रोल में आ चुकी हैं। खाना जंगी के दौरान भारत अफगानिस्तान में पानी की तरह डॉलर बहाता रहा, मगर कोई ठोस पॉलिसी नहीं बनाई गई जिस पर भारत को बड़े नुकसान का सामना है।
इसके अलावा भारत अफगानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान में बलोच दहशतगर्दों के जरिए दहशतगर्दी करवाता रहा, जिसका तालिबान के आने से खात्मा हुआ। और इसके अलावा तालिबान ने भारत के वो पर भी काट दिए हैं जिनके जरिए से वो वस्त एशियाई ममालिक की तरफ परवाज चाहता था। यकीन कीजिए कि अल्लाह की ताईदो नुसरत से अफगानिस्तान और वस्ती एशिया में भारत के स्ट्रेटेजिक मुफादात अब खत्म हो चुके हैं। भारत का रोना धोना ये है कि इसने गुज़श्ता दो दहाइयों से अफगानिस्तान में $3 बिलियन यानी $3 अरब से जायद की बड़ी सरमायाकारी की है और अब वो मुकम्मल तौर पर डूब चुकी है। भारत को अफगानिस्तान में फौजी और नफसियाती शिकस्त मिली, जिस पर वो बिलबुला उठा है। तालिबान की फतुहात को देखते हुए जुलाई 2021 के वस्त में ही भारत ने अफगानिस्तान के सूबों में अपने कौंसल खाने बंद कर दिए थे और मजार शरीफ में कायम भारतीय सिफारत खाने की बंदिश भारतीय शिकस्त की आखिरी कड़ी थी। इस सूरत हाल ने भारत को एक पागल बना रखा है और इसी पागलपन में मोदी के हवारी अमरीका जा पहुंचे हैं और जो बाइडन से मदद तलब की जा रही है। सवाल यह है कि क्या अमरीका शिकस्त खोर्दा जहनियत के साथ भारत की मदद कर पाएगा? दोस्तों, अगर आपको याद हो तो जब अफगानिस्तान पर जहरियत करने वाले अमरीकी इत्तेहादी गुज़श्ता कई बरसों से तालिबान के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे, तो उस वक्त भारत वाहिद एक ऐसा मुल्क था जो इन मुज़ाकरात के खिलाफ बकबक कर रहा था। मगर जब तालिबान की जीत यकीनी हो गई तो भारत ने पैंतरा बदलते हुए तालिबान से हाथ मिलाने और मेल मुलाकात करने की कोशिशें की, लेकिन तालिबान ने भारत को धुतकार दिया। मोदी ने अगरचे खुद मानीखेज खामोशी इख्तियार किए रखी है, मगर अपने मीडिया की तोपों का रुख तालिबान की तरफ मोड़ रखा है। नरेंद्र मोदी ने अपनी कौम से वादा किया था कि वो पाकिस्तान को तन्हा कर देगा, इसका कोई दोस्त कोई हमनवा नहीं होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी के दावे किसे पारी ना साबित हुए और उल्टा भारत तन्हा होकर रह गया है और अपनी रुसवाई इसे बुरी तरह खचक रही है। दूसरी जानिब तालिबान ने साबित किया कि हर शय का इख्तियार अल्लाह के हाथ में है और वो जब चाहे बाजी पलट दे। यहां आपको एक और अहम खबर भी देते चलें कि मकबूजा कश्मीर की साबिक वजीरे आला महबूबा मुफ्ती ने अफगानिस्तान पर तालिबान के कंट्रोल का हवाला देते हुए गुज़श्ता रोज मोदी सरकार को सख्त वार्निंग जारी कर दी है। अपने बयान में महबूबा मुफ्ती ने मोदी सरकार के मकबूजा कश्मीर में जारी मजालिम पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि मोदी अफगानिस्तान से सबक ले, जहां तालिबान ने इक्तिदार पर कब्जा किया और अमरीका जैसी सुपर पावर को मार भगाया। साबिक वजीर आला मकबूजा कश्मीर ने मोदी सरकार को खबरदार भी किया कि हमारा इम्तिहान न लें और अपने तरीके दुरुस्त कर लें। सूरत हाल को समझें और देखें कि आपके पड़ोस में क्या हो रहा है। महबूबा मुफ्ती ने काबिज हुकूमत से मकबूजा कश्मीर में मुजाकरात और इसकी खसूसी हैसियत की वापसी पर भी जोर दिया और अंदर की एक खबर के मुताबिक कश्मीर में तहरीक आजादी नए जोशो जज्बे के साथ उभर रही है और यकीनन आने वाले दिनों में कश्मीर के मामले पर बड़ी पेशरफ्त मंजराम पर आ सकती है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस सारी सूरत हाल में आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगेबान।